हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। देखिए, आजकल की कंपटीशन एग्जाम बहुत टफ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एग्जाम क्या होते जा रहे हैं, टफ होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अधिकतर आजकल SSC, रेलवे इस तरह के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपको जनरली स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन पहले 2012-13 में नॉर्मली दी जाती थी कि स्पीड कितनी होगी, टाइम कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, एवरेज कितने होंगे। लेकिन अब 2018-19 से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है। एक दिन वह अपने सामान्य चाल से, देखिए जो अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलता है, तो वह 18 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। जब वह सामान्य चाल से चलता है तो उसे घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता होगा। देखिए क्वेश्चन किस टाइप की घुमा के पूछा है। एक लड़का अपने घर से हर रोज़ कहाँ जाता है, घर से स्कूल जाता है। एक दिन वह अपने सामान्य चाल से 4/5, मतलब अपने सामान्य चाल से जो स्पीड थी उसकी चलने की, उससे थोड़ा धीरे धीरे चलने लग गया। कितने, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता तो उस 5 का कितना बटे 4 बटे, तो 4/5, मतलब थोड़े सी स्पीड कम कर दिया तो धीरे धीरे चलने लगा। तो जिस समय स्कूल पहुंचता था उससे वह क्या 18 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। वह 18 मिनट देरी से स्कूल, तो क्वेश्चन पूछता है जब वह सामान्य चाल से चलता है तो उसे घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता होगा। अब बोल रहे प्रश्न कि अगर मान लो वह अपने सामान्य चाल से चलता है तो उसे घर से स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है। मान लीजिए देखिए, ये स्कूल है और ये घर, तो ये बच्चा अगर रोज घर से स्कूल जाता है, एक दिन वह धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने सामान्य चाल से कम, तो 18 मिनट लेट से पहुंचा। यदि वो रोज़ अपने सामान्य चाल से चलता है तो उसे घर से पूरे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। इसी में आपको निकालना होगा टाइम। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आपको दे दिया है 18 मिनट लेट से पहुंचता है, तो आपको निकालना होगा टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल, आपको इसके लिए कुछ ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ आपको फार्मूला याद रखने का पड़ेगा। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके बनाने रहेंगे। तो अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूला। a अपॉन a माइनस b, देखिए ये a माइनस b है, उसमें माइनस मार्किंग, मतलब माइनस, अगर a बड़ा रहेगा या b बड़ा रहे, दोनों में से कोई भी बड़ा रहे तो उसमें माइनस नहीं रखेंगे, लेकिन a को b से घटाना है। गुणित क्या है, t, टाइम। ठीक, ये भी जो फार्मूला है ए, ये देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ए अपॉन इन अंडर में हो जाएगा ए माइनस बी गुणित टी। अब देखिए इसमें से ए क्या है, तो देखिए ए क्या है, सामान्य चाल की तुलना में कितने बट्टे से, सामान्य चाल की तुलना में कितने देरी से चल रहा था वो, 4/5। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है सामान्य चाल की तुलना में कितने देरी से चल रहा है, ये 4/5। तो यहाँ पे देखिए जो सामान्य चाल की तुलना में चल रहा था 4/5, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, और नीचे वाले क्या लेंगे, बी। तो मतलब ये 4 क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और बी बराबर होगा 5। और देखिए टी कैसे निकालेंगे, तो समय लगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल दिया 18 मिनट देरी से पहुँच रहे, अगर दूसरा क्वेश्चन में बोल देता 18 मिनट जल्दी पहुंच गया, 18 मिनट 20 पहुंच गया, तो जो मिनट दिया रहता है देरी या लेट वाला, देरी या ज़्यादा, तो उसको लेंगे टी। तो यहाँ पे टी कितना दिया है, 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो टी लेंगे 18 मिनट। ठीक, अब इस सिंपल से इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस डाटा को रख देंगे। देखिए ए की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर ए की जगह कितना रखेंगे, 4, और बी की जगह 5, तो 4 - 5 इंटू करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, टी की जगह कितना रखेंगे, 18। तब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 - 5 कितना हो जाएगा, नीचे में 1 बचेगा, ऊपर में कितना रहेगा, 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4 * 18, तो 4 * 18 कितना हो जाएगा, 72 मिनट। अब देखिए कितना समय लगेगा उसे, 72 मिनट। 72 मिनट मतलब 60 मिनट में एक घंटा होता है, तो 60 घंटे मतलब 1 घंटे 12 मिनट। ठीक, 1 घंटे 12 मिनट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ और इस फार्मूले से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बनाते बैठेंगे तो पूरा टाइम का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग और से देख लीजिए अगर दूसरे बार। अगर देखिए इस यहाँ पर दिया रहता अपने सामान्य चाल से वो 80% कम चल रहा है तो भी 4/5 आता है, या बोलता है सामान्य चाल से 20% देरी से चल रहा है तो 20% देरी, मतलब 20 बट्टे कितना निकालते हैं हम लोग, 100 करते तो 0 0 कट जाता, कितना बढ़ता है, 1/5। तो परसेंट में दिया रहेगा तो आपको उसको बट्टे में लाना है, और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।